आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ गाजियाबाद की नगर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। एनआरसी और सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के दौरान हिंसा करने वालों को भड़काने के आरोप में अमानतुल्ला के खिलाफ गाजियाबाद की नगर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की परेशानी बढ़ गई है। एनआरसी और सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों को भड़काने के आरोप में अमानतुल्ला के खिलाफ गाजियाबाद के नगर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। पंचवटी के रहने वाले हरिओम पांडे ने अमानतुल्ला खान के खिलाफ तहरीर दी है। अमानतुल्ला के खिलाफ की गई शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने नागरिकता कानून को लेकर लोगों को बरगलाया और विशेष धर्म के लोगों को भड़काने का काम किया। इसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसकी धाराएं 295 है, 120 बी है, इसके अलावा 505 है और 155 है और आईपीसी की धाराएं हैं, और इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। दरअसल आप विधायक ने 18 तारीख को फेसबुक पर फोटो के साथ एक पोस्ट डाली थी कि जो भी बवाली घायल होगा उसे 5 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देंगे। इतना ही नहीं, सभी को मुफ्त इलाज देने की बात भी कही थी। हरिओम का आरोप है कि 18 दिसंबर की इस पोस्ट के बाद ही 20 दिसंबर को जुमे की नमाज के बाद यूपी और देश के अन्य हिस्सों में हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन हुए। मुकदमा दर्ज कराने का कारण यह है कि उन्होंने युवाओं को बरगलाने का काम किया, 5 लाख रुपए देने का और नौकरी सरकारी नौकरी वक्फ बोर्ड में दिल्ली में देने का वादा किया, जिससे कि वो हिंसक प्रदर्शन करें, जो भी घायल होंगे उन्हें 5 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देंगे, जिस कारण से दिल्ली में और NCR में, गाजियाबाद NCR से जुड़ा हुआ है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है, तो हमारे यहाँ भी उसका प्रभाव पड़ा। हमारे यहाँ के युवा 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार युवा सड़क पर आए और जिन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ हमला किया उनके ऊपर और आम जन पर हानि पहुँचाई। कुछ दिन पहले ही जामिया के आसपास हुए हिंसक प्रदर्शन में भी अमानतुल्ला खान का नाम आया था और अब वो अपने फेसबुक पोस्ट को लेकर विवादों में है। टीम न्यूज़ नेशन।